एक न्यू वीडियो में आप लोग स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग सिखाने वाला हूं कि आप अपने जी व्हाट्सएप के डाटा को आप अपने रियोवा व्हाट्सएप पे कैसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे। आपका सारा डाटा ए टू जेड आपके रियोवा व्हाट्सएप पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसके लिए आपको वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि यदि आप वीडियो कहीं भी स्किप कर देते हैं तो आपसे कोई भी स्टेप मिस हो सकता है, जिससे आपका डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले आपको अपना जी व्हाट्सएप ओपन करना होगा। जी व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे जाना होगा। ऐसे आप सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक चैट का ऑप्शन शो हो जाएगा। आपको सिंपल से स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करके यहाँ चैट बैकअप के एक ऑप्शन शो होगा, तो आपको यहाँ से चैट बैकअप कर लेनी है। जैसे आप चैट बैकअप कर लेते हैं, चैट बैकअप करने के बाद आपको करना क्या होगा कि यदि आपने रियोवा व्हाट्सएप पे यहाँ पे आपका व्हाट्सएप लॉगिन है तो सिंपल से करना क्या होगा कि आपको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना होगा। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ आई बटन पे क्लिक करेंगे। आई बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आप स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्लियर डाटा रियोवा व्हाट्सएप को कर देना है। करने के बाद आपको अपने फाइल मैनेजर को ओपन करना है, तो मैं सिंपल से यहाँ से अपना फाइल मैनेजर ओपन कर लेता हूँ। फाइल मैनेजर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक एंड्रॉयड का फोल्डर ओपन होगा, तो आपको एंड्रॉयड वाले फोल्डर पे जाना होगा। एंड्रॉयड वाले फोल्डर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक मीडिया का फोल्डर मिलेगा, तो आपको मीडिया के फोल्डर पे जाना होगा। मीडिया के फोल्डर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले देखना होगा कि आपके में com.io व्हाट्सएप का फोल्डर शो हो रहा है या नहीं। यदि आपके में यो व्हाट्सएप का फोल्डर शो हो रहा है तो आपको यहाँ पे टैप करना होगा। यदि नहीं शो हो रहा है तो आपको सेम इसी तरह का com.io व्हाट्सएप का फोल्डर क्रिएट कर लेना होगा। जैसे आप क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट करने के बाद आपको com.io व्हाट्सएप ओपन करना होगा। com.io व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना होगा। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद क्रिएट फोल्डर पे जाएंगे। क्रिएट फोल्डर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना होगा यो व्हाट्सएप। आपको सेम इसी तरह स्पेलिंग कैपिटल और स्मॉल का ध्यान देके आपको सेम इसी तरह फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। क्रिएट करने के बाद आपका फोल्डर यहाँ से क्रिएट हो जाता है। क्रिएट होने के बाद आपको करने का होगा, आपको बैक करना होगा। बैक जाने के बाद आपको जाना होगा com.gv व्हाट्सएप पे। तो जैसे मैं यहाँ com.gv व्हाट्सएप पे जाता हूँ तो यहाँ पे जी व्हाट्सएप का फोल्डर शो हो जाता है। जी व्हाट्सएप का फोल्डर शो होने के बाद आपको करना क्या होगा कि आपको डाटाबेस पे ओपन करना होगा। डाटाबेस ओपन करने के बाद कुछ इस तरह की आपकी लेटेस्ट फाइल जो होगी कुछ इस तरह की होगी। यदि आपकी लेटेस्ट फाइल इस तरह की नहीं है, आपको यहाँ डेट शो हो रहा है, तो आपको सिंपल से डेट को हटा के यहाँ इस तरह की फाइल को आपको बनाना है। बनाने के बाद आपको करने का होगा कि यहाँ पे सिंपल से बैक करेंगे। बैक करने के बाद यहाँ से डाटाबेस और मीडिया दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ से बैक करेंगे। बैक अगेन करने के बाद आपको यहाँ पे com.io व्हाट्सएप का फोल्डर शो होगा, तो उस पर टाइप करेंगे। com.whatsapp के फोल्डर पे ओपन करके यहाँ यो व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यो व्हाट्सएप पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉपी हेयर पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप कॉपी हेयर करते हैं तो आपको डाटा यहाँ पे कॉपी होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं कुछ देर के लिए वेट कर लेता हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नहीं लाइक किए हैं तो आप, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरा डाटा यहाँ पे डाटाबेस और मीडिया यहाँ पे कॉपी हो चुका है। कॉपी होने के बाद आपको करने का होगा सीधा बैक करना होगा। बैक करने के बाद आपको जाना होगा अपने रियोवा व्हाट्सएप पे। तो मैं यहाँ से अपना रियोवा व्हाट्सएप को ओपन कर लेता हूँ। जैसे रियोवा व्हाट्सएप पे ओपन करते हैं, ओपन करने के कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है, तो आपको अलाउ पे क्लिक कर देना होगा। अलाउ पे क्लिक करने के बाद आपको एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर देना होगा। तो मैं यहाँ से अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर देता हूँ। फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, तो आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना होगा। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ वेरीफाइड विथ एक्सएमएस या कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे वेरीफाइड विथ एक्सएमएस द्वारा करता हूँ, तो यहाँ पे सिंपल सा वेरीफाइड विथ एक्सएमएस पे क्लिक करके यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे अलाउ पर क्लिक करेंगे। अलाउ पर क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं मेरे में एक OTP आ जाएगी। तो मेरा OTP वेरीफिकेशन ऑटोमेटिक यहाँ से सक्सेसफुल हो चुका है। जैसे मेरा OTP वेरीफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है, होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। तो मैं यहाँ से जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ,
क्लिक करने के बाद यहाँ पे अलाउ का एक ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल से इसको अलाउ कर देते हैं। अलाउ करने के बाद आप देखेंगे कि मेरा डाटा यहाँ डियोगा व्हाट्सएप पे यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेटिंग हो, यहाँ पे 33 MB का मेरा डाटा शो हो रहा है। तो मैं सिंपल से इसको री स्टोर कर देते हैं। जैसे मैं री स्टोर करता हूँ तो मेरा यहाँ से डाटा री स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। मेरा डाटा यहाँ पे री स्टोर हो चुका है। री स्टोर होने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मैं अपना यहाँ से नाम फिलअप कर देता हूँ। नाम फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पर इंस्टॉलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। मैं थोड़ा यहाँ पर वेट कर लेता हूँ। फाइनली आप लोग देख रहे हैं मेरा सारा डाटा वहाँ से हमारे डियोबा व्हाट्सएप पे ट्रांसफ़र हो गया है। जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे मेन्यू पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डियोबा मोड्स, स्विच अकाउंट, प्ले गेम, मैसेज ऑटो रिप्लाई, मैसेज शेड्यूल एंड मास मैसेज, यानी मेरा यहाँ पे पूरा डाटा यहाँ पे मेरे डियोबा व्हाट्सएप पे ट्रांसफ़र हो चुका है। यदि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट DM कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में डली हुई है। वहाँ से आप फेसबुक में या इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट DM करके मेरे से सहायता ले सकते हैं। थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल टिंकर राजेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।